अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज किस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जो है वो तीन चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तीनों की वन शॉट वीडियोज आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा। और सेकेंडली, ये मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट बना दी है 9th क्लास केमिस्ट्री वन शॉट के नाम से। आप वो भी जो है अपने दोस्तों के साथ जब आपने कभी शेयर करना हो या आपने कभी आकर रिवाइज करना हो तो आप उस लिस्ट को भी जो है वो देख सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के ना एक दो डाउट्स थे, उनको पहले मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहला डाउट ये था कि भैया अगर बुक्स चेंज हो गई तो फिर क्या होगा। तो आपने सबसे पहले एक चीज माइंड में रखनी है, अगर आपकी किताब चेंज होती भी है ना तो इस साल चेंज नहीं होगी। अव्वल तो चेंज होना बड़ा मुश्किल काम है, बट अगर होती है तो वो इस साल नहीं होगी, यानी कि आप रिलैक्स होकर अपने जो है वो तैयारी कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट ईयर चेंज हो भी जाती है बिल फर्स्ट, तो हम दोबारा वन शॉट वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे, बट अभी के लिए तो एटलीस्ट आपके लिए तो ये जो वन शॉट वीडियोस हैं आप इनसे फायदा उठाओ। सेकेंडली, ये कि जो ये जो सिलेबस है जो मैं जिस बुक से अपना ये आपको वन शॉट लेक्चर्स बनाता हूँ, क्या ये किस बोर्ड के हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कराची बोर्ड के होते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से देख रहे होते हैं तो वो कन्फ्यूज होते हैं। तो ये मेजरली जो है ये पंजाब बोर्ड का सिलेबस है। पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड आते हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, ठीक है, जितने भी बोर्ड आते हैं। बट अगर आप अगर कराची बोर्ड के हो या किसी और बोर्ड के हो और आपकी बुक्स ये सेम है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। हाँ, अगर टॉपिक्स में ऊंच नीचे है तो फिर आपको थोड़ा सा ख्याल इसके बारे में रखना पड़ेगा। और लास्टली, कि जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं जिनकी वो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक होती है NBF वालों की, तो उसकी जो वन शॉट वीडियोज हैं वो भी इंशाल्लाह चैनल पर जो है वो अपलोड की जाएंगी। बट अभी जो है हम पंजाब बोर्ड को जो है जो मेजरली कवर कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो वेट कीजिएगा। सो ये सारी बातें इंशाल्लाह आपका जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की जानिब, जिसका नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो चैप्टर है, इसके अंदर ऑब्वियसली हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स अपने साथ ओपन रखिएगा, साथ अपने रजिस्टर पर जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो लाजमी से बनाइएगा, और जो जो चीजें मैं मार्क करवाता हूँ आपने उसको भी मार्क लाजमी से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल बहुत सिंपल होता है। जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। जैसे मेरे पास ये एक एटम है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये हाइड्रोजन का एटम है। इसी तरह मेरे पास एक और एटम होगा, वो भी मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिससे तो हम लोग जो है वो वाकिफ हैं। सो अब ये दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और ये यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, और ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ये मिलकर मेरे पास बना देगा H2। तो यहाँ पर दो एटम जो थे वो अब मिलकर उन्होंने क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से ज्यादा इकसाम के भी हो सकते हैं। लाइक वो सेम एटम्स जो हैं वो भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल ही है, सॉरी HCl, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर HCl यहाँ पर आएगा, तो ये भी क्या है, मेरा मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर जो बनाएंगे वो बनाएंगे मेरे पास H2, ये भी मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल की ही टाइप है। सो मॉलिक्यूल हमने देखा कि जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ से ना आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, भैया मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत क्या है, क्यों एटम्स जो है वो रिएक्शन करते हैं, क्यों इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्या वो खुद ही जो है वो स्टेबल नहीं है क्या। तो इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है जी। एटम्स क्या चाहते हैं, एटम्स वांट टू, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो एटम है, एटम वांट्स टू गेट स्टेबल। वो क्या होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल क्यों होना चाहते हैं, देखो भाई इंसान भी तो यही चाहता है, इंसान भी चाहता है कि वो किसी तरह जो है वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो सके या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके, उसके लिए वो क्या करता है, एफर्ट्स करता है। सेम ऐसे ही जो एटम्स होते हैं वो भी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो किसी तरह स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं कि दो तरीके से जो है एटम्स क्या हो सकते हैं स्टेबल। जैसे इंसान होते हैं वो हेल्थ वाइज स्टेबल हो सकता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, ठीक है, वो रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो सकता है। सेम ऐसे ही एटम्स अगर दो चीजों को पूरा कर दे या दो में से कोई एक चीज पूरी कर दे, तो वो हम कहेंगे कि जो एटम है उसने स्टेबिलिटी का जो मार्क है उसको अचीव कर लिया है। अब वो दो पॉइंट्स क्या है, तो एक है हमारे पास यहां पर, ठीक है, एक चीज को हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। क्या वर्ड है हमारे पास, डुप्लेट रूल,
और एक हमारे पास इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये हमारे पास डुप्लेट रूल है, और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑक्टेट रूल का, ठीक है जी, डुप्लेट और ऑक्टेट, यानी कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं या तो वो डुप्लेट रूल को कंप्लीट करेंगे या तो वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेंगे, तो वो जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। अब डुप्लेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल बहुत आसान है, अपने वैलेंस शेल के अंदर, अपने वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ठीक है जी, अपने वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, कंप्लीट करना कहलाता है डुप्लेट रूल। और जो ऑक्टेट रूल है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। यानी कि यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा वो किसी तरह अपने वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। जैसे वो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लाइक ये जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहता है मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी चाहता है मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए आपस में जो है वो रिएक्शन करते हैं, ताकि ये जो ये वाला एटम है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दूसरे वाले एटम है इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने पास थोड़ी देर के लिए रखेगा, तो इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेम हाइड्रोजन ये है, इसके पास अपना 1 है और कुछ टाइम के लिए इससे शेयरिंग करेगा, तो ये भी जो है इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेम अगर हम बात करते हैं H और Cl की, तो जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगर हम क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लोरीन कैसे होता है, हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 17 होते हैं। तो अब देखो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। जब इसके साथ जो है अपना इसके साथ शेयरिंग करेगा तो क्या होगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ से जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शेयर होंगे तो इसके पास भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, दोनों जो हैं वो खुश रहेंगे, दोनों जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। सो ये हमारे पास जो है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल होता है। अब आप पूछोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाला एटम जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, कौन सा जो एटम है हमारे पास वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आती है, जिस तरह एक इंसान है ना, ठीक है, जैसे आप हो, आपके जो लाइफ में ना मेंटर्स होंगे, आप चाहते हो यार मैं इस जैसा इंसान बनूं, ठीक है, फिर आप उसके लिए कोशिश भी करते हो। सेम ऐसे ही हम कहते हैं कि जो एटम्स की दुनिया में, एलिमेंट्स की दुनिया में जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं, सारे चाहते हैं कि हम जो है उनकी तरह बने। सो जो नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है, नोबल गैसेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिब्रिटीज हैं सारे एटम्स, पूरे एलिमेंट्स जो है वो सारे किसकी जैसे बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं नोबल गैसेज जैसे बनना। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं, तो नोबल गैसेस जो है हमारे पास ये होती हैं हमारे 18th ग्रुप के एलिमेंट्स, क्या होते हैं, 18th ग्रुप का जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लाइक हीलियम है, इसके अलावा नियोन है, इसके अलावा हमारे पास आर्गन है, और अप टू सोन आगे भी चलते हैं। So, हमारे जो एटम्स होते हैं ना वो अपने सबसे करीब जो हमारे पास हमारे पास जो नोबल गैस होती है उस जैसा बनना चाहते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के सबसे करीब जो नोबल गैस होती है वो होती है हीलियम, और हीलियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के सबसे ज्यादा करीब होता है आर्गन, तो ये जो होगा क्लोरीन ये किस जैसा बनना चाहेगा, ये आर्गन जैसा बनना चाहेगा, और आर्गन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको सिंपल इसको याद रखना है तो आपने बस याद रखना है कि जो हीलियम होता है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी सारे जितने भी आगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन सबके वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास है नोबल गैसेस। तो अब यहां से एक सवाल आता है हमारे पास, तकरीबन हर साल ही पेपर में पूछा जाता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं ये रिएक्शन क्यों नहीं करती। जैसे मैंने बोला ये तो सेलिब्रिटीज होती हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो क्या ये रिएक्शन नहीं करती हैं, तो बिल्कुल ये रिएक्शन नहीं करती। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं करती, उसकी मैंने आपको रीजन बताई कि ये पहले से ही जो है वो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर चुके होते हैं। लाइक मैं अगर नियोन की एग्जांपल लेता हूं, तो हम यहां पे जो है वो नियोन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नियोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 10, तो हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब देखो जो इसका वैलेंस शेल है उसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है, इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट पहले से ही किया हुआ है, पहले से ही जो है वो ये स्टेबल है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि जो है ये नॉन रिएक्टिव है, और इसके वैलेंस शेल में मजीद जगह भी नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, जिसकी वजह से इसको रिएक्शन करने की जो है वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट ये तो नोबल गैसेस थी, इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उनका क्या भैया? तो बिल्कुल उनको रिएक्शन करना पड़ेगा, उनको इन जैसा बनना पड़ेगा। तो वो किस तरह बन सकते हैं? तो टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिस मेथड को फॉलो करके जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं या डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं और नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। अब वो 3 रूल्स कौन-कौन से हैं जी? बहुत ही आसान रूल्स हैं, ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है, नीचे गिर गया, पहला हमारे पास जो रूल आता है वो आता है बाय शेयरिंग, ठीक है जी। पहला क्या आता है? बाय शेयरिंग। वो क्या कर सकते हैं? वो शेयर कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, HCl में जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। दूसरा आता है हमारे पास बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हैं? वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, दोबारा नहीं लेंगे। और एक तीसरा हमारे पास मेथड आता है जिसको बोलते हैं बाय गेनिंग, ठीक है जी, बाय गिविंग या बाय, दूसरा तीसरा मेथड क्या होगा? बाय गेनिंग, या वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो क्या बन जाएंगे? वो इन तीनों मेथड्स को फॉलो करके जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल कैसे होंगे? डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करके या नोबल गैसेस जैसे बनके। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसको फॉलो करके कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। नाउ बच्चों, में कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब हम जरा इसको बुक से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है यहाँ पर एटम का हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, स्टार्टिंग में चढ़ते हैं, ठीक है जी। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ, सवाल यहाँ पे एक बना पड़ा है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो क्या जी, इट इज यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। हर कोई ये चाहता है कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। वो स्टेबल कैसे होते हैं? एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। वो क्या होते हैं? नोबल गैसेस जैसे बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डुप्लेट रूल की डेफिनेशन है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाता है। और जबकि 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में लेना क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। आगे हमारे पास सवाल है कि नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती, व्हाई नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव। तो क्या जी, नोबल गैसेस के पास जो है वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं वैलेंस शेल में। इसका मतलब है नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल है वो क्या है? कंप्लीटली फिल है। उनके एटम्स के अंदर जो है वो वैकेंट स्पेस ही नहीं है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की। इसलिए जो है नोबल गैसेस ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना लूज करते हैं, ना शेयर करते हैं, जिसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नॉन रिएक्टिव। इसके बाद हमारे पास के एटम्स के कितने तरीके हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के? तो एटम्स के टोटल 3 तरीके हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स, एंड लास्ट क्या है? बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 3 मेथड्स आ गए जिस तरह एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो बच्चे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। अब ये मैंने पहले से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, बट देखा तो रिकॉर्डिंग का बटन ही प्रेस नहीं था। सो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। केमिकल बॉन्ड क्या है जी हमारे पास? केमिकल बॉन्ड का मतलब है जब 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं? मैंने आपको बताया जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं रिएक्शन करने के लिए तो उनके दरमियान में कुछ फोर्सेस होती हैं। एक को बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक को बोलते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं तो वो बॉन्ड बना लेते हैं, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेट से जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के करीब, इस तरह अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब करीब लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लेके जाऊंगा तो वो करीब नहीं आएंगे बल्कि क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो मैं कहता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट हेल्ड एटम्स टुगेदर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। और जो आयंस होते हैं, ठीक है, अब हमने क्योंकि 3 मेथड्स भी पढ़े थे कि आयन के बाय लूजिंग, बाय गेनिंग एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम्स जो है वो स्टेबल होते हैं, तो किस किस केस में क्या क्या चीजें बनाते हैं? तो जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और वो आयंस बनाना चाह रहे हैं तो उनके दरमियान होगा बाय लूजिंग एंड बाय शेयरिंग ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और मॉलिक्यूल बनाना के मूड में है, मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर केमिकल बॉन्ड को सबसे आसान अल्फाज में बताना हो तो हम ये कहेंगे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि 2 एटम्स को एक दूसरे के करीब लेकर जाती है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाती है, वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। और अगर हम मूव करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड से कितनी टाइप्स होती हैं? तो हमारे पास होती है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है हमारे पास लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी के तीनों में जो है वो किसी ना किसी तरह शेयरिंग ही हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका हमारे पास नाम है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जी, बहुत आसान है। जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी जब हमारे पास कोई बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो उस टाइम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के भी और क्लोरीन के भी, बट यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूं, ठीक है जी, कि इलेक्ट्रॉन्स डेट पार्टिसिपेट, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स डेट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, डेट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या नॉन बॉन्डिंग भी होंगे? बिल्कुल होंगे, ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो कहलाएंगे फिर नॉन बॉन्डिंग, उसको हम बाद में देखेंगे। तो टाइप्स हमने यहाँ पर देखी। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट टाइप जो है बोर्ड एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैंने आपके लिए कंप्लीट जो है वो लिख भी दिया, ठीक है, वो हमें कह सकता हूँ कि फॉर्चुनेटली सारा लिखा भी गया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो अब जो है आपके सामने सारा कुछ है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास, कि ऐसा बॉन्ड जो कि लॉस एंड गेन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से बनता है वो कहलाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो सोडियम जो होता है उसकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसको तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके सबसे करीब जो होता है वो नियोन होता है, नियोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी अपने ये कहता है मैंने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, बट इसके पास तो 1 है, इसको 8 पूरे करने के लिए 7 चाहिए होंगे, कोई बंदा इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में बचेंगे, 8 बचेंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां पर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको भी 8 पूरे करने हैं, या तो ये एक किसी से ले लेगा या तो 8 अपने 7 किसी को देगा, तो 7 देना बहुत मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने इसको दिया था वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे के साथ करीब आते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो अट्रैक्ट होकर क्या बनाते हैं हमारे पास यहां पर NaCl। तो मैं कह सकता हूं NaCl जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, वो उसमें होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड फॉर्म बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल की बात करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर जब हम आते हैं तो जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 से कम होते हैं, 3 या 3 से कम जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि ज्यादा लेना मुश्किल काम होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 5 देना या उससे ज्यादा देना मुश्किल काम है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारे पास सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लोरीन की क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इनके अगर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, और इसके पास कितने हैं, 7। अब सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना वो एक जो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद है उसको वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है हम कहते हैं वो क्लोरीन के पास आ गया, क्लोरीन में ऐड हो गया, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो जब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या बना देंगे मिलकर, NaCl। तो वो सारे कंपाउंड्स जो कि जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड। तो NaCl के अलावा KBr भी हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड की और आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, इसके दरमियान में भी जो है वो आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। और आयनिक बॉन्ड आपने देखा किस तरह बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है। तो इसको अगर हमने सिंपल देखना तो जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी से गिफ्ट लेते हैं तो वो अब हमारा हो चुका है, ठीक है, हमने कंप्लीट ले लिया, हम शेयर नहीं कर सकते गिफ्ट को, ठीक है। जब आप किसी से गिफ्ट लेते हो तो अब वो आपका है, अगर आपने किसी को दिया है तो अब वो उसका है। तो यहां पर लॉस एंड गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह हो रहा होता है। अब हम इसको जरा एक बार बुक से भी पढ़ते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो हमारे पास क्या है केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन है हमारे पास केमिकल बॉन्ड की, यहाँ पे आप देखो तो केमिकल बॉन्ड की हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान, दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो कि उनको क्या करके रखे हुए, होल्ड करके रखे हुए है। तो इसके बाद हमारे पास ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आ रही है, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन क्या होती है हमने वैसे पढ़ ली है लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये वाली सही है, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। के लूज गेन और शेयर से जो आयनिक बॉन्ड बनता है, जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो हमारे पास कहलाता है ऑक्टेट रूल। अगर आपको यहां से डुप्लेट रूल की डेफिनेशन पूछते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है, आपने 8 की जगह पर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, तो किसकी बन जाएगी, डुप्लेट रूल की डेफिनेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो है अब ये बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो बॉन्ड्स जो है अगर वो आयंस के दरमियान बन रहे हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादातर वो बनाते हैं बाय गेन और बाय लूज से। और जब केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, किसके दरमियान में, सिमिलर एटम्स के दरमियान में, तो वो कौन सा कहलाता है भाई, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बन रहा होता है। आगे जो है वो मैंने आपको इस पॉइंट में बताया गया है कि जब करीब आते हैं एक दूसरे के एटम्स तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेज होती हैं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगी तो एटम बॉन्ड बनाएगा, अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से, एटम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आगे हमारे पास चार टाइप्स हैं, आयनिक कोवेलेंट, डेटिव कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ठीक है जी, दोनों का एक ही दो नाम है डिफरेंट, और लास्ट क्या है हमारे पास, मेटेलिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के अंदर आते हैं, तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास पहले हम डेफिनेशन पर चलते हैं, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वो क्या कहलाता है, मेरे पास आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल रही, इसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स है, क्योंकि वो मेटल्स होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, लूज कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि वो ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, उनके पास क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो जिसकी वजह से जो है वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। आगे हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि जी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि क्या होता है जी, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और वो जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर जो है वो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद ये फॉर्मेशन है हमारे पास कि जब इस तरह सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो उनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन बढ़ी और उसने क्या बना दिया, NaCl बना दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास के वो सारे रिएक्शंस, वो सारे टाइप कंपाउंड जिनके दरमियान में इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बच्चे मूव करने लगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा अगेन एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका नाम है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कोवेलेंट बॉन्ड, इसके भी लॉन्ग में आएगा, तो इसके मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया किस तरह आपने पेपर में प्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको सीखते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है और बहुत मजे का भी है, बच्चों को फौरन जो है वो याद हो जाता है। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ऐसा बॉन्ड, ठीक है जी, ऐसा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हमारे पास होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब
ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में जो है वो एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पर बॉन्ड करेंगे, और ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड जैसा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और जो ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग किस तरह होगी, कि कुछ टाइम के लिए जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है इस एटम का, वो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में घूमेगा, और कुछ टाइम हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के ऑर्बिट में घूमेगा। तो दोनों के जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, वो क्या होते जाएंगे, यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपको जो है इसकी समझ भी आई होगी, और एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने यहाँ पर देखी। अब हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जैसे ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, ठीक है जी। कौन सी दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अच्छा, उससे पहले कि जो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जब नॉन मेटल्स, ठीक है जी, नॉन मेटल्स किसी दूसरी नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी, जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बनता है। अब जब दो इसी तरह आपस में करीब आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है, वो एटम को क्या करना चाह रही होती हैं, वो चाहती हैं कि एटम जो है वो आपस में जुड़ सकें, और रिपल्सिव फोर्सेज क्या चाहती हैं, कि एटम एक दूसरे से दूर जा सकें। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा होती हैं तो हमारा जो बॉन्ड है वो बन जाता है, बट जब रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा होती हैं तो हमारा बॉन्ड जो है वहां पर नहीं बनता, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो टोटल हमारे पास तीन टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अगले वाले को बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, आपने गेस कर लिया होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब तीन किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, अभी हम इनको बारी बारी डिस्कस करने लगे हैं। अब जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने ये हमारे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करना है। जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल जो है इनकी लिखनी होगी, तो बहुत आसान है, ठीक है। और इन तो तीनों की डेफिनेशन भी जो है वो सेम है। जब दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, व्हेन टू एटम्स, ठीक है, मैं कह सकता हूँ व्हेन टू एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट, जब दो एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वन इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है जी, वन इलेक्ट्रॉन ईच, तो वो क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो बनाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जिस तरह यहां पर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना होगा, यहां पर जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है जी, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, इसको जो है हम लोग सिंगल लाइन से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन की, ठीक है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बताया, तो हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पर बनता है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कार्बन की। अब हम कार्बन को देखें तो कार्बन के पास जो है वो वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम चार इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डॉट से शो करते हैं, ठीक है जी, और चार जो है अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब आप यहाँ पे क्रॉस देख रहे हो, ये क्रॉस कुछ भी नहीं है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो कार्बन है, अब कार्बन की अगर हम बात करें तो अपने उसके चार इलेक्ट्रॉन थे और चार उसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, तो कितने हो गए, टोटल आठ। कार्बन यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी अब दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो भी कौन सा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। आपकी बुक में जो है इसके डॉट एंड क्रॉस भी है और साथ जो है हमारे पास एरो भी शो होते हैं, तो आपने जो है वो एरो वो लाइंस के जरिए भी ड्रॉ करना है। जैसे ये सिंगल लाइन है, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैंने यहां पे ड्रॉ नहीं की। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन से ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बनेगी, तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, व्हेन टू एटम्स, ठीक है जी, व्हेन टू एटम्स कंट्रीब्यूट, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है जी, यानी कि दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ईच, ठीक है जी, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे,
हम कहते हैं जी टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, टू बॉन्ड पेयर्स फॉर्म्ड, दो बॉन्ड पेयर बनेंगे ठीक है, और वो क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डबल लाइन के साथ। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन जो है जब आपस में मिलता है तो वो क्या बनाता है, O2। तो अगर हम इसको लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑक्सीजन है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, लाइक मेरे पास जैसे हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कार्बन की, कि कार्बन है ठीक है जी, कार्बन जो है वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार ठीक है। तो इसको ना हम थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, मैं कहता हूँ चार। और इस वाले के पास भी कितने हैं, चार ठीक है जी, दोनों के पास चार चार इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेंगे, यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो टोटल इनके पास कितने हो जाएंगे, आठ आठ पूरे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के पास जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल यानी कि चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो पेयर बनेंगे बॉन्ड पेयर, तो हम उनको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है जी, अगेन आपको खुद बताना चाहिए ठीक है जी, when two atoms contribute कितने electrons, three electrons each, तो कितने bond बनेंगे, three bond pairs are formed जो है वो बनेंगे। तो वो कौन सा bond कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरे पास triple covalent bond। और represent कैसे करेंगे, it is represented by, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेड बाय कितनी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आपने गैस कर लिया होगा, टोटल हम इसको जो है वो तीन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल होता है उसमें होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल पांच इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेंगे, अब इसके पास पांच है, इसको ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सेम इसी को भी तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में तीन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर कर लेंगे। तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, ये बनेंगे मेरे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बन जाएगा मेरे पास N2, ठीक है जी। तो इस तरह जो है हमारा सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने सारा कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक पढ़ा आपको समझ भी आया होगा और बहुत ज्यादा इजी भी होगा। यहाँ पर बस आपने जो ये डायग्राम्स हैं, ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इनकी, सिंगल डबल ट्रिपल, इसकी काफी ज्यादा जो है वो रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन पे आए, तो हमारे पास है यहाँ पर द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। आगे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो जो ग्रुप 13 से 17 है, क्योंकि ये नॉन मेटल्स होते हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेम यही है कि जब दो एटम जो है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है उनके दरमियान बढ़ती हैं, साइमल्टेनियसली रिपल्सिव फोर्सेज भी उनके दरमियान में बढ़ती हैं। तो जो फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, जिस तरह लिखा है कि जी व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, तो उससे क्या होगा, टू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है जी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें हमारे पास डेफिनेशन आती है बॉन्ड पेयर की। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और टोटल हमारे पास तीन टाइप्स हैं, ठीक है जी। पहले को क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या डेफिनेशन है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब एक एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक बॉन्ड पेयर बनता है, और उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसको अगर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है जी, ड्राइंग स्ट्रक्चर सच दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय अ लाइन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। और आगे इसके एग्जांपल में बढ़ते हैं, तो इसकी जितनी भी एग्जांपल्स है आपने जो है वो सारी ही करनी है पेपर के अकॉर्डिंग। अगर डबल की बात करते हैं, तो व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड बाय डबल लाइन। और इसकी भी एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके बाद ये हमने जो एग्जांपल है वो की है। लास्ट है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक एटम जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा तो तीन बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीन स्मॉल लाइंस के जरिए जो है इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट पे इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारे पास ये नाइट्रोजन की एग्जांपल है, उसके अलावा ये कार्बन की एग्जांपल है, ठीक है। अब तो आपको कार्बन की एग्जांपल समझ आ गई होगी। उसके बाद ये हमारा जो
डिब्बा है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको आपने पढ़ना है। इसमें ये डॉट एंड क्रॉस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपने बस ख्याल ये रखना है, जैसे कार्बन का अगर आपने एक डॉट लगा दिया ना इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगले वाले के लिए क्रॉस लगेगा। अगर आप कार्बन पे क्रॉस लगाते हो तो अगले वाले के लिए क्या लगेगा, डॉट। ये ऑपोजिट होने चाहिए, बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे पूरा टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ बच्चों, हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा है कि ऐसा बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी जो है वो शेयरिंग होगी, बट ये जो शेयरिंग है ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के निस्बत थोड़ी सी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का हमारे पास एक सेकंड नेम भी आता है जिसको हम यहां पर बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको इन दोनों नामों से जो है आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है NH3 का। NH3 को हम क्या बोलते हैं, NH3 को हम बोलते हैं ये है हमारा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है NH3। अब NH3 की खास बात ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास जो ये तो पहले से ही स्टेबल है, NH3 जो है हमारा स्टेबल है, ठीक है, इसको किसी किस्म के रिएक्शन की जरूरत नहीं है। बट इसके पास हमारे पास नाइट्रोजन पे दो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, बट वैसे ही उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, या मैं कह सकता हूं एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर मौजूद होता है। सो अब क्या करता है, अब हम दूसरी तरफ हम बनाते हैं लाइक हमारे पास है H+। अब H+ जो है इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि H+ का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में भी जो एक इलेक्ट्रॉन होता था ना वो भी नहीं है। अगर वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अब इसको स्टेबल होने के लिए एक तो पहले वो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा जिसकी वजह से इसका ये चार्ज खत्म होगा, फिर इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा जिससे इसका डुप्लेट रोल जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास यहां पर जो हमारे पास अमोनिया है उसके ऊपर जो ये लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये दे दिया जाएगा शेयरिंग के लिए किसको, अमोनिया की तरफ से प्रोटॉन को। तो अब देखो यहां पर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती थी, बट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड पर जो है वो कोऑर्डिनेट वाइज जो है वो शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक बंदा जो है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बस, दूसरा रिटर्न में कुछ भी जो है वो नहीं दे रहा। तो इस तरह क्या होगा, ये जो लोन पेयर है अब ये शेयर हो जाएगा प्रोटॉन को यानी कि H+ को, और दोनों जो है वो क्योंकि NH3 पहले से ही स्टेबल है, H+ भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड इन विच, ठीक है, बॉन्ड इन विच, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं ताकि आपके जो है वो शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएं और आपको जब रिवाइज करना हो तो अपने शॉर्ट नोट्स को देखो और आप जल्दी से उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। तो बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम, ठीक है, ओनली वन बॉन्डेड एटम जो है, तो वो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे एक साइड जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन दे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वन साइडेड, ठीक है जी, वन साइडेड शेयरिंग भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन जो है यहाँ पर समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो अमोनिया और प्रोटॉन का जो हमने एग्जांपल समझी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, अमोनिया ने दिया, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है उसको बोलते हैं डोनर, ठीक है जी। तो डोनर क्या होता है, ठीक है, डैट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास कौन है, अमोनिया। एक्सेप्टर की बात करते हैं तो एक्सेप्टर ऑब्वियसली क्या होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, किसने एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, डैट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, डैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी,
H प्लस, उसके अलावा हमारे पास होगी BF3 क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद है लोन पेयर। अब हमने जहाँ पर जो बात की थी कि अमोनिया है, अमोनिया का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो अमोनिया हमारे पास इस तरह होता है, दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन के पास जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको तीन और चाहिए मजीद स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम डॉट एंड क्रॉस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, डॉट और क्रॉस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो अब नाइट्रोजन देखिए, तो नाइट्रोजन और स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि 5 उसके अपने थे और 3 उसने हाइड्रोजन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, और हाइड्रोजन को भी एक एक चाहिए था, उन्होंने शेयरिंग कर ली। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि वो पहले से स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है जी, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डेट नोट that don't involve in chemical bond, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं लोन पेयर। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लोन पेयर समझाया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब अमोनिया और H प्लस के हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको प्रोटॉन क्यों बोला जाता है, H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते, खाली न्यूक्लियस बचता है, न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि प्रोटॉन होता है, तो जिस वजह से उस पूरे को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटॉन बोल दिया जाता है। तो अब हम इसका जो यहाँ पे डायग्राम बनाने लगे हैं, एज इट इज आपने भी जो है इसी तरह की डायग्राम जो है वो बनानी है। सो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, अमोनिया। अमोनिया का क्या हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया का जो है हम स्ट्रक्चर आ गया। अब अमोनिया के पास ये जो हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है, ये किसके पास जाएगा, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, H प्लस प्रोटॉन रिएक्ट करेगा, उससे होगा क्या। अब यहाँ पे हम जो एरोज लगा रहे हैं ना, ये एरोज जो मैं रेड से लगा रहा हूँ, ये आपने मार्कर से ड्रॉ करने, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने एज इट इज इसको ड्रॉ करना है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है वो अमोनिया आएगा, एच हमारे पास यहाँ पे एच आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, एच। अब क्या होगा, अब जो ये लोन पेयर है हमारे पास नाइट्रोजन का, ये किसके पास चला जाएगा, ऑब्वियसली ये चला जाएगा हमारे पास एच के पास, और अब ये जो चार्ज था हाइड्रोजन के ऊपर एच प्लस, अब ये टोटल जो है चार्ज इस पूरे पर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका लोन पेयर किसके पास जा रहा है, H प्लस के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, तो वो चाह रहा है कि वो किसी और की भी मदद कर दे, तो उसने H प्लस के जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो जो चार्ज है वो टोटल के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो ये एग्जाम्पल है ये समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वो क्या है, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, तो ये BF3 हमारे पास होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अगर हम बोरोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास बोरोन के पास वैलेंस शेल में टोटल होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अब इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास फ्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है, अब बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 उसको फ्लोरीन से मिल गए, कितने हो गए, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या है यहाँ पर चाहिए। अब अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं ना, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 7, क्योंकि ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 फ्लोरीन को, तो उसका जो है वो टोटल 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। बोरोन के पास अपने 3 थे, 3 उसने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किए, 6 हो गए, और 2 इसके पास जो है वो डेफिशिएंसी है। अब ये डेफिशिएंसी के लिए उस बंदे के पास जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक अमोनिया। सो अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पर जो है सारा सिनेरियो समझ आ रहा होगा कि क्यों जो है वो अमोनिया के पास लोग जा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा क्या है, रिच है, अमीर है, उसके पास जो है वो एक सारा अपने आप को स्टेबल करने के बाद भी जो है उसके पास अपने लोन पेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन के हमें बाकी भी स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, तो ये हम इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एरो के बाद, ठीक है, ये एरो जो है हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमारा रेड से लगेगा, यानी कि आपने मार्कर से ड्रॉ करना है, ये एरो आपका मार्कर से आएगा। नेक्स्ट पेयर जो है हम इसका जो आपने, अगर इसका जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट भी आपने इसी तरह स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। सो ये हम अब ड्रॉ कर लेते हैं अपना नाइट्रोजन। ठीक है जी, नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी आ गया एच, यहाँ पर भी आ गया एच, उसके बाद ये एरो लगेगा, उसके बाद बी। ठीक है जी, बी के बाद एफ,
बी के बाद एफ, बी के बाद F, और यहाँ पे इसके जो हैं वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे इसके पास आ गए। तो ये हमने इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी 7-7 ड्रॉ कर ली। और अब ये क्या होगा, अब यहाँ से जो एरो है वो किसके पास चला जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ आया होगा कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्यों जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हमारा एक्सेप्टर होगा और NH3 हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है वो डोनर होगा, और अपने लोन पेयर जो है वो BF3 को और यहाँ पर H+ को दे रहा है। तो ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आपको सारा पॉइंट भी समझ आए होंगे, ये साथ शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों ने देखे। अब इसको जरा बुक से देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास मजीद क्या चीजें हैं। जी, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जो है ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन देता है, डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, एक एटम जो है वो अपने लोन पेयर जो है या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी को देता है। अब आगे द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर उसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, डोनर। एंड द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। और उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, स्मॉल एरो इज यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। जो मैंने आपको रेड से यहाँ पे शो किया है ना, वो इसीलिए मैंने शो किया था क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। आगे हमारे पास लोन पेयर की एग्जांपल है द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ऐसे बॉन्ड पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, अवेलेबल ऑन एन एटम, जिस तरह लाइक वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। नाइट्रोजन अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन है, अमोनिया एंड H+ वाली हेडिंग है वो यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक आएगी। कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है, साथ आपने इसकी जो है ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हम BF3 की बात करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, तो हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। आगे उसने बताया कि उसकी वैलेंसी जो है वो टोटल कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। उसके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसे, फ्लोरीन से। उसके बाद भी उसके पास जो है वो क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद भी जो है उसके पास डेफिशिएंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो फिर वो उस बंदे के पास जाएगा या उस इलेक्ट्रॉन पेयर के पास जाएगा जिसके पास जो है वो क्या होगा, लोन पेयर, और वहां से उसका एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर आ रहा है, वो है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर। इसको मैं सिर्फ एक टॉपिक के बाद समझाता हूँ, पहले मैं जो है इस जैसा ही को टॉपिक है आपका पेज नंबर 65 पर मेटैलिक बॉन्ड उसको हम क्लियर करते हैं, देन हम पोलर एंड नॉन पोलर पर चले जाएंगे। सो अब हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर के से बाद हमारे पास पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, मेटैलिक बॉन्ड। अब नाम से जाहिर हो रहा है मेटैलिक, जब दो मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड होता है मेटैलिक बॉन्ड। और याद रखना है मेटैलिक बॉन्ड जो है सिर्फ मेटल्स आपस में बनाते हैं, और उनको बनाने की एक वजह होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसका सिंपल सी वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। के मेटल्स के अंदर हम जानते हैं कि जब हम मेटल को हीट अप करते हैं ना वैसे भी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके एटम के शेल से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर पूरे वो प्लेट के अंदर, पूरे उस एरिया के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को आगे पहुंचाने में, हीट को आगे पहुंचाने में। जब हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका यही मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, मेटैलिक बॉन्ड होता है। और वो किसकी वजह से होता है, मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। सो डेफिनेशन पर आते हैं, द मेटैलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आइंस, क्योंकि मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनकी वजह से जो इनके ऊपर जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेटैलिक बॉन्ड। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड होते हैं, हैवी नेचर होती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो किसकी वजह से होती हैं, जस्ट मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। अब यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स के एटम का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल पर वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। उससे क्या होता है, एंड ग्रेटर नंबर, क्योंकि लार्ज साइज एटम होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में,
और उसकी वजह से मजीद क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफ़ी कम होती है, वही वजह है साइज ज़्यादा है, शेल ज़्यादा है, तो ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। इससे होता क्या है, रिजल्टेंटली दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल्स मूव इन अ स्पेस बिटवीन एटम्स ऑफ द मेटल। तो क्या करते हैं, एटम के दरमियान में जितनी स्पेसिस होती हैं एटम्स के अंदर, उनके दरमियान में ये मूव करते रहते हैं, फ्री घूमते रहते हैं। नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, ये किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होते। जैसे जब हम पार्टी में जाते हैं तो सारे बच्चे वगैरह जो होते हैं उसे भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, हाथ में नहीं आते, सेम ऐसे। आइदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल और बिलोंग टू ऑल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि वो सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। आगे हमारे पास जो है वो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज इन द सी ऑफ दीज मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, के जो न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के, वो ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डूबे हुए हैं। दीज मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर फॉर्मिंग अ केमिकल मेटेलिक बॉन्ड, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही असल में बांध के रखते हैं मेटल के एटम्स को आपस में और मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो तो हमें ये जो दरमियान में ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है प्लस वाले और बाकी से ये क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देख रहे हो कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फैले हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियस उनके अंदर जो है वो डूबा हुआ है उसके समुंदर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये हमारे पास जो है वो कॉपर एटम का जो है वो कॉपर वायर का जो है वो मेटेलिक बॉन्ड शो किया हुआ है। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा रह गया है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ बच्चों हमारे पास जो बॉन्ड आ रहा है जिसका नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इस टॉपिक के अंदर अब आप देख रहे हो ये भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है कोवेलेंट बॉन्ड की, टाइप्स के अंदर इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। पोलर एंड नॉन पोलर जो है ये आपको पहले समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, फिर आप हम इसके जो है वो बाकी चीजों पर बात करेंगे। सो हमारे पास जो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो हमने उसकी एक एग्जाम्पल के अंदर हमने हाइड्रोजन की बात की थी कि हाइड्रोजन जो आपस में, दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने एक और एग्जाम्पल में जो है वो एच और सी एल की बात की थी। अब सी एल के ऊपर वैलेंस शेल में जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड बना था एच सी एल, इन दोनों के दरमियान में जो है वो कौन सा बॉन्ड है, दोनों के दरमियान में ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे नोट करें, नोट करने वाली बात ये है हमारे पास सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड, ठीक है, सेम एटम्स के दरमियान में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ये हम देख रहे हैं ये क्या हमारे पास है डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब इसे होगा क्या, अब क्योंकि ये सेम एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग होगी, क्या होगी, यहाँ पर होगी हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किसी को खींचतानी नहीं होगी, ठीक है, प्यार मोहब्बत से जो है वो एक साथ शेयर कर रहे होंगे। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनइक्वल क्यों होगी, उसकी एक ही वजह है, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास पावर ज्यादा है, तो जिसके पास पावर ज्यादा होती है वो चाहता है कि दूसरे के जो है दूसरे के हिस्सा भी जो है अपनी तरफ ले लिया जाए। तो सेम ऐसे ही क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा कोशिश करेगा, चाहेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा, ये जो पेयर है हमारे पास, ये पेयर ज्यादा किसकी तरफ रहे, ये ज्यादा क्लोरीन की तरफ रहे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली यही हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर के केस में चल रहा होता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हेटरो एटम्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, हेटरो मतलब क्या होता है, हेटरो मींस डिफरेंट। और नॉन पोलर में क्या होता है, यहां पर हमारे पास जो है होमो एटम्स आपस में जो है ये बॉन्ड बनाते हैं, होमो एटम्स, या मैं इसको सिमिलर डिफरेंट और यहाँ पे इसको सिमिलर भी कह सकता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर होती है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, अनइक्वल शेयरिंग होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है जी, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास, इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो पोलर के अंदर हमारे पास एच सी एल, इसके अलावा हमारे पास H2O, ये हमारे पास एग्जांपल आती है पोलर की। अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं
तो नॉन पोलर की एग्जांपल में हमारे पास O2, इसके अलावा Cl2, उसके अलावा H2, तो ये हमारे पास सेम किसके अंदर आएगा, नॉन पोलर के अंदर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे पोलर की बात करते हैं तो मैंने अभी बोला यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जबकि मैंने यहाँ पर बोला नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हम हाइड्रोजन पे देखते हैं तो क्योंकि ये सिमिलर एटम्स के दरमियान होती है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ H+H मिलकर H2 बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं, EN के डिफरेंस की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.2 माइनस इस हाइड्रोजन की कितनी होगी 2.2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, इसका मतलब है नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट अगर हम यहाँ पे H और Cl की बात करते हैं, तो H और Cl जो है उसमें अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये कितना बनेगा, क्लोरीन का होता है 3.2 माइनस हाइड्रोजन का 2.2, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 1.0। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, पोलर, और ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अब इसके हम बुक के ऊपर देखते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क करना है, बिकॉज मैं एक ही डेफिनेशन से दो डेफिनेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है। तो अगर मैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ, तो हमारे पास जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से लेकर जो है वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ये किसकी है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, नॉन पोलर की यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है। अब वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, यानी कि होमो एटम्स के दरमियान, यानी कि एक जैसे एटम्स के दरमियान, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट होता है बोथ एटम्स इक्वली, और सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्या कहलाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हमारे पास नॉन पोलर हो गया। अब अगर मैंने इसी डेफिनेशन से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो आपने जरा गौर से समझना है, आपने क्या करना है, सिमिलर की जगह यहाँ पर लिखना है डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट लिखना है, होमो की जगह आपने यहाँ पर लिखना है हेट्रो, और यहाँ पे इक्वली की जगह पर लिखना है अनइक्वली, और यहाँ पर फिर वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। सो हमारे पास एग्जांपल में नॉन पोलर की एग्जांपल में हमारे पास H2Cl2 है, और आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अगर हम उसकी बात करते हैं सिंपल पोलर की, तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये वाली एग्जांपल आप इसके लिए ड्रॉ कर दो। अब इसके बाद ना क्या होता है, बेसिकली हमारे पास नॉन पोलर की वजह से ना इसके ऊपर एक साइन आता है डेल्टा का, ठीक है, ये साइन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये साइन कुछ इस तरह का हमें नज़र आता है, S+ या S-, ठीक है, इसका मतलब होता है डेल्टा साइन, ठीक है। डेल्टा साइन का मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, यानी कि क्योंकि इसके ऊपर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, पार्शियल यानी कि आप कह सकते हो हाफ चार्ज इसके ऊपर आता है। क्यों आता है, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, उसकी हमारे पास 1, 2, और 3 यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो है वो यहाँ पर लास्ट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी है, कि अगर तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, तो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है, और अगर वो लेस देन 1.7 होता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ पे हमने HCl की बात की थी, तो उसमें हमारा आंसर आया था 1.0, तो 1.7 से कम है, तो हमारा जो बॉन्ड था वो कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना था। यही अगर 1.7 से ज़्यादा आएगा तो वो कौन सा बॉन्ड वहाँ पर बनेगा, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो टॉपिक है जिसका नाम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, अब हम इसको जरा स्टडी करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो व्हाइट बोर्ड पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, अब जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, H और Cl की बात करते हैं, हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि यहाँ पर होती है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनइक्वल शेयरिंग से होता क्या है, कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। सो इसी तरह हमारे पास ये जो H और Cl है, ये पूरा हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, बिल्कुल ठीक है। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटर मतलब दरमियान में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। लाइक मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे मेरे पास H और Cl है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पूरा मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह मेरे पास H और Cl एक और मॉलिक्यूल भी होगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके आगे भी जो है वो मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। सो ये जो दरमियान में हमें ये बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये जो ये वाला बॉन्ड है, ये है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास
कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है उसके अंदर। अब दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो दरमियान में यहाँ पर कुछ रिलेटिवली वीक फोर्सेस होती हैं। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट यहाँ पर कुछ वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो कि इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करके रखती हैं, और इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करती हैं, वो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और माइंड में रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा वीक होती हैं एज कम्पेयर टू जो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड होता है, एक्चुअल बॉन्ड से वीक होती हैं हमारे पास IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं फोर्सेस डैट आर प्रेजेंट इन डैट आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स To hold them, वो क्या कहलाती हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहलाती हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो हमारे पास दो किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। एक को हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है जी, नाम बड़ा मजे का है हमारे पास, डाइपोल इंटरेक्शन। और एक हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दोनों ही हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम पहले मूव करते हैं डाइपोल इंटरेक्शन के ऊपर। अब डाइपोल भी हमें जो है वो यहीं से समझ आएगा। अब हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि H और Cl के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर एक जगह पर सिर्फ एक HCl तो नहीं है, बहुत सारे HCl जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सारे HCl क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये जो हमारे पास ये आता है ना H और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है Cl, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। सो अब इसके बाद ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो इसके बाद वाला एलिमेंट आएगा वो अगेन पार्शियल पॉजिटिव होगा, और उसके बाद वाला पार्शियल नेगेटिव, और इसके बाद जो आएगा अगेन उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। यानी कि अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि हर एक का जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसके एडजेसेंट ये वाला मॉलिक्यूल है, तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, और इसका जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है वो भी अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जो है वो अरेंज होगा, और इनके दरमियान में जो है ये क्या कहलाएगा डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है हमारे पास दो पोल्स, तो दो पोल्स ये और दो पोल्स ये, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, कि डाइपोल किस तरह आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास IMF होती है ना, ठीक है, IMF जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, आर कॉल्ड, इसका एक नाम होता है, ठीक है, वो नाम आपने याद रखना है, इनको हम बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, इनका क्या नाम होता है वेंडरवॉल्स फोर्सेस, इनको क्या बोलते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड, किस वजह से क्रिएटेड होते हैं? ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने बात की थी ना कि अनइक्वल शेयरिंग जो है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो इस वजह से हमारे पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। इससे होता क्या है, ठीक है जी, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास वो क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, दैट पॉजिटिव एंड जो है पॉजिटिव एंड इज टूवर्ड्स, जो पॉजिटिव एंड है इट्स टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, ठीक है, नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, अब हम जानते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, उसकी एग्जाम्पल, उसकी टाइप्स और डाइपोल जो है आपको समझ आया होगा। अब हम इसको जरा अपनी बुक से देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें द फोर्सेज डेट होल्ड एटम आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इन एडिशन टू दीज फोर्सेज रिलेटिवली वीक फोर्सेज ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि HCl के दरमियान में जो फोर्स है ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी तरह यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट जो ये दरमियान में यहाँ पर फोर्सेज आ रही हैं ये हमारे पास क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि इट इज रिक्वायर्ड अबाउट 17 किलोजाउल एनर्जी, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 17 किलोजाउल की एनर्जी चाहिए।
जबकि ये जो H और Cl है इसके दरमियान जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो अब यहाँ से देख रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला MCQ है कि ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। उसके बाद ये बनती क्यों है, ये बनती है अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंड मोलिक्यूल का पॉजिटिव कर देते हैं और दूसरा एंड क्या कर देते हैं नेगेटिव, जैसे H और Cl के ऊपर चार्जेस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब देख रहे हो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ से हमारी एक्चुअल डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है डाइपोल डाइपोल की, कि जब पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है जी, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल कम टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। के जब अपने आपको इस तरह अरेंज करते हैं कि जो ये नेगेटिव एंड है वो करीब चला जाता है किसके, पॉजिटिव एंड के, उससे होता क्या है, इट रिजल्ट इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या पैदा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। और साथ आपने इसकी जो है वो ये एग्जांपल के तौर पे डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये जो पॉइंट है समझ आया होगा। नाउ बच्चों मूव करने लगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, और अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है इस चैप्टर में से बन सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल में क्या फर्क है, तो भैया इतना फर्क नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल में, तकरीबन ये एक जैसे हैं, बस इसको बोला जाता है यूनिक डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये सिर्फ होती है हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान में। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जब हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, ये अब एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पर हम कहते हैं एक और हाइड्रोजन, यानी कि वाटर के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और उसके ऊपर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, एक दूसरी तरफ से कोई हाइड्रोजन इसके पास आएगा, ठीक है, और किसके पास आएगा, उसके पास आएगा जो कि, क्योंकि हाइड्रोजन खुद क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और सेम जो है वो इस तरह आगे भी चलता जाएगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, या ये मैं कहता हूं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हाइड्रोजन की किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, छोटा भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हाँ, यहाँ से आपको एक बात भी समझ आनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसका साइज छोटा होता है, जितने एटम्स का साइज छोटा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन का बड़ा होता है साइज, तो क्या होता है जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है किसके पास, अपने एक नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो कि कौन सा, यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। इसी तरह नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होकर इस तरह वाटर जो है आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के शक्ल में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है जी, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपने सही गैस किया, पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो हमारे पास नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो हमारे पास फ्लोरीन भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या है, ये एक यूनिक डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ठीक है, यूनिक डाइपोल डाइपोल हमारे पास ये क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, और ये कब बनती है, अगेन जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग की वजह से जो है वो अनइक्वल शेयरिंग की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाते हैं एटम्स के ऊपर, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं चार्ज क्रिएटेड ऑन किसके ऊपर, एटम्स के, ठीक है। और तो जब हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट टुवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ पार्शियल नेगेटिव एटम, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पावर है ना, बेसिकली ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और ये डिफाइन करती है किसी भी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास जो अल्कोहल होते हैं ना, अल्कोहल, ठीक है, आपने याद भी रखना है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो वाटर होता है
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, वो होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है हमारे पास जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्कोहल भी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इनके दरमियान में कौन सा रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर ही आता है, और मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ लिखना है, वो है हमारे पास फ्लोटिंग ऑफ आइस। ठीक है, हम देखते हैं बड़े बड़े समुद्रों में एंटार्क्टिका आर्कटिक ओशन के अंदर जो है पानी के ऊपर इतनी भारी बर्फ फ्लोट कर रही होती है, क्यों कर रही होती है, ठीक है, अब वो रीजन हम आज के इस टॉपिक में जो है वो देखने वाले हैं। तो उसकी जो सिंपल एक वजह होती है कि जो बर्फ होती है, हालांकि उसका अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, इक्वल मास के अंदर है, ठीक है, और एक के हम आइस बना लेते हैं उसको ठंडा कर, और जब हम उसको दूसरे पानी पे डालते हैं तो वो बजाय किसके अंदर डूबने के, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग ऑफ आइस क्या है, ठीक है, आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो आइस फ्लोट करती है वाटर पर। अब डेंसिटी जो होती है हमारे पास आइस की, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है 0. ठीक है, हमारे पास तकरीबन होती है ये वैल्यू 0.9, ठीक है, इसके राउंड अबाउट होती है, ठीक है, लेट मी चेक, कंफर्म कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.197 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितने होते हैं हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की वो ज्यादा है, क्योंकि जब हम आइस को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो करीब आ जाती है आपस में, उनका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो, उसका वॉल्यूम कम होने से जो है हमारे पास उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और जिस चीज की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो पानी के नीचे चली जाएगी, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो हमारी आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब हम बढ़ते हैं अपने इसको बुक से देखते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट तो आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। सो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ, फिर अगेन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव के साथ, तो जो ये बॉन्ड बनता है ये दरमियान में ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल में आप चाहो तो ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर दो, चाहो तो ये वाली आपकी मर्जी है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट से और डेफिनेशन से पहले तक जो है वो यहाँ तक हमारे पास क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब वो कैसे आएगा, यहाँ से आपने जो चीज़ याद करनी है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास तकरीबन है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि ज़्यादा होता है अल्कोहल से, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पर पाई जाती है। आगे लास्ट पॉइंट जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का भी था, वो है हमारे पास फ्लोटिंग ऑफ आइस का फिनोमिना, तो ये हमारे पास इसका पूरा आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्या जी डेंसिटी है आइस की कितनी होती है, 0 डिग्री पर 0.1917, जो कि कम होती है किससे, वाटर की, जो कि है 1.00। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जब वाटर को फ्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अरेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, वाटर से काफी ज्यादा कम हो जाती है, और फिर जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही ही होती है। नाउ बच्चों, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था ये भी क्लियर हो चुका है, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इजी है, हमने इसकी डेफिनेशन वैसे आयनिक बॉन्ड में भी की थी कि वो कंपाउंड जिनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसकी हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म के अंदर अट्रैक्ट करके रख रहे होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, ये हमारे पास देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये क्लोरीन है, ये दरमियान में क्या है, नाइट्रोजन, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर
बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं 3D या 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाते हैं ये अपने की। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जैसे हमने पीछे देखा। फिर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होता है जी, सॉलिड स्टेट के अंदर नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड फॉर्म में जो है वो अपने अंदर से नहीं गुजारते, बट गुड कंडक्टर होते हैं जब इनको सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। सॉल्यूशन मतलब पानी में मिक्स करते हैं, मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है जब हम अगर हमारे पास NaCl है ना, तो इसको हम अगर पिघला देंगे लिक्विड फॉर्म बन जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म बनते हैं। और फिर क्योंकि उसमें आयंस आ जाते हैं तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने याद करना है, मेल्टिंग पॉइंट 800 होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1413 होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको तोड़ने के लिए। फाइव नंबर वाला पॉइंट क्या है कि जो ये इजिली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, वाटर की जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इनके फोर्सेस को क्या कर सकती है, ब्रेक करके इनको आपस में डिजोल्व करवा सकती है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास इसी तरह है। पहले डेफिनेशन है हमारे पास, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा था। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं रिगार्डिंग जनरली वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल H2CH4C, ये सारे क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में मौजूद है। इनकी भी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आयनिक की बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, उनमें ज्यादा होता था इसमें कम होता है। वो ये भी बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जिन कंपाउंड्स के अंदर पोलर कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, वो कंडक्टर हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास, ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है जी, ये ज्यादातर पानी में इनसॉल्युबल होते हैं जबकि वो सॉल्युबल होते थे, लेकिन ये जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जो है डिजोल्व हो सकते हैं। क्यों, हमने पढ़ा हुआ है जो नॉन पोलर होते हैं ना वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व हो सकते हैं। लास्ट क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी ज्यादा स्टेबल और हार्ड होता है, और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, यानी कि नॉर्मल का नहीं होता, जिनके दरमियान में वो 3-dimensional स्ट्रक्चर बनता है उनका ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने जो है ये MCQs याद रखना है कि पोलिंग स्केल के ऊपर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, कितनी है, 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है और सबसे ज्यादा क्या होती है, पावरफुल। ये हमने वैसे चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो मिक्स है, ठीक है जी। एक ही पैराग्राफ में इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो डिजोल्व नहीं होते पानी में, ये एक प्रॉपर्टी होगी। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डिजोल्व होते हैं पानी में, ये दोनों की एक एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी दोनों की दो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ ली। आगे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये तो बिल्कुल भी जो है वो पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन चलो एक बार हम पढ़ते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड जैसी हैं, ठीक है, कह रही प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड जैसी हैं, जैसे जो इनके दरमियान जो न्यूक्लियस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, जो न्यूक्लियाई होता है वो शेयर 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, ठीक है, आयंस नहीं बनाते पानी में। ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वेरी लेस सोलेबल इन वाटर। तो ये भी जो है पानी में ज्यादा सोलेबल नहीं होते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट जैसी हैं, तो कोवेलेंट भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ये भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते। लास्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल की प्रॉपर्टीज काफी बार जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो पहली क्या है, दे शो मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइन, ठीक है, इनके दरमियान में क्या होती है, शाइन बहुत ज्यादा होती है, मेटल्स की शाइन होती है। दूसरा क्या है कि ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। हम देखते हैं मेटल की शीट्स होती हैं, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि इसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमारे पास मेलेबिलिटी है। और हम मेटल की वायर्स भी देखते हैं तो वो क्या है, डक्टिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। फोर्थ क्या है कि इनका साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल कर इनको कैटाइन बनाया जा सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद होते हैं।
तो बच्चों हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 जो है अच्छी तरह समझ आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, साथ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो बनाना स्टार्ट कर दो। व्हाइट बोर्ड पर लिखने का मकसद ये है, मैं बोल भी सकता था ये, बट लिखा इस वजह से ताकि बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि जब वो रिवाइज करने बैठे ना तो अभी की जो आप एफर्ट कर रहे हो ना लिखने में इसको, ठीक है, साथ साथ लेक्चर लेते हो, साथ साथ लिखते हो, ये आपको इन फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, बाकी बच्चे पूरा पूरा बुक पढ़ रहे होंगे, आप शॉर्ट नोट से प्रिपेयर करके अपना पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहे होंगे, तो अभी की एफर्ट बाद में आपको इसका जो रिजल्ट है वो दे रही होगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया था, ठीक है। अगर ऐसा है तो लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, या कुछ भी आप लोगों को अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता या आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होते या आप कोई और वीडियो सजेशन देना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। इंस्टाग्राम पर भी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूजर नेम हमारे पास है फिजान तनवीर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या अल्लाह हाफिज़।